गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर सोशल स्टडीज क्लासेस विच इज योर SST क्लासेस। चलो क्लास फोर, वी आर स्टडी सोशल स्टडीज एंड इन दिस सब्जेक्ट वी आर स्टडी चैप्टर नंबर 20। जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आपने दो पार्ट इसका पढ़ लिया, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने हमारे भारत भूमि को बहुत कुछ दिया है। वो बहुत ही महान शख्स हैं, ऐसी ऐसी वो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही ऐसा ऐसा काम किया है जिसके वजह से हमारे देश को, भारत को महान कहा जाता है, ग्रेट कहा जाता है। चलो तो आज हम लोग इस चैप्टर में पोएट्स और ड्रामेटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है पेज नंबर 137। तो आज हम सारे बच्चे पहले पेज नंबर 137 ओपन कर लो। चलो तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट, देखिए हम लोगों ने सोशल रिफॉर्मर्स साइंटिस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट। पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट, पोएट्स और ड्रामेटिस्ट के बारे में आप तुम लोग जानोगे। चलो क्या है पोएट्स, किसको कहते हैं हम लोग, वो लोग जो पोएम्स लिखते हैं, और ड्रामेटिस्ट किसको कहते हैं, वो लोग जो ड्रामा लिखते हैं, ठीक है। जब आप लोग छोटे हो, अभी बड़े हो गए, पोएम तो आप लोगों ने पढ़ी होगी तो जो लोग पोएम लिखते हैं उसको पोएट्स कहते हैं। ड्रामा आप लोग जब थोड़े बड़े हो जाओगे और सिर्फ 7th में जाओगे तो पढ़ोगे, तो वो लोग होते हैं ड्रामेटिस्ट। देखो सिंस अर्लियर टाइम्स, पुराने ज़माने में क्या होता था, बहुत पुराने ज़माने में म्यूजिक डांस ड्रामा फ्लरिश्ड इन इंडिया। भारत में संगीत म्यूजिक ड्रामा और डांस है, ठीक है, नाच अलग अलग तरीके के, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। देयर हैव बीन मैनी नोटेड पोएट्स, तो बहुत अलग अलग तरीके के पोएट्स ड्रामेटिस्ट ने क्या किया है, हमारे भारत भूमि पर अपना लैंडमार्क छोड़ा, अपनी उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी जो कि हिस्ट्री इतिहास में दर्ज किया गया। चलो उसमें से एक सबसे बड़े शख्स कालिदास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है कालिदास का, कालिदास जी। चलो कालिदास इज नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। तो उनको ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे देश के बहुत पुराने कवि और ड्रामेटिस्ट हैं। He lived about 2000 years ago. वो लगभग 2000 साल पहले वो भारत में थे, ठीक है। He was a poet. क्या थे, कवि थे। In the court of King Chandragupta Vikramaditya. Underline कर लीजिए। तो King Chandragupta Vikramaditya के राज दरबार में वो एक कवि हुआ करते थे। कालिदास wrote his poetry in Sanskrit. किस लैंग्वेज में वो poetry लिखते थे, संस्कृत में। His works contain grand descriptions of nature, politics and war. आप जब poem पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा तरीके का feeling आता है ना, जैसा भी आप poem पढ़ते हो। Suppose अगर आप nature के बारे में poem पढ़ रहे हो तो आप प्रकृति से जुड़ जाते हो अपने। Politics के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से जो freedom fighters थे उन्होंने हमारे देश को आज़ादी करवाया है ना, लड़ाइयों के बारे में पढ़ते हो। तो जैसा आप poem पढ़ते हो वैसे ही आपका mindset हो जाता है। तो एक पोएट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होता है, वो किसी को भी क्या कर सकता है, अपने हिसाब से वो उस किसी का भी दिमाग चला सकता है। चलो तो इनके जो इनका काम होता था, जो भी पोएम्स ही लिखते थे उसमें प्रकृति के बारे में, राजनैतिक चीज़ों के बारे में और लड़ाइयों के बारे में बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्रिप्शन होता था। इनकी बेस्ट पोएम्स कौन कौन सी हैं, रघु वंशनम, कुमार सांभवम और मेघदूतम। मेघदूतम तो इनकी बहुत पॉपुलर पोएम है। अच्छा, इनका जो बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्ले इनका है, प्ले पोएम नहीं है, प्ले है ये, ड्रामा है, क्या है, अभिज्ञान शकुंतला। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कालिदास के बाद अब हम लोग जानेंगे तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास के बारे में सबको पता है, इन्होंने क्या लिखा है, रामचरितमानस। चलो देख लो, कालिदास का फोटो भी लगा है और तुलसीदास का भी फोटो दिखा हुआ है।
तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट पोएट्स ऑफ अवर कंट्री. तो जो संतों के कतार में होने वाले जो पोएट हैं, जो सबसे महान कवि कौन है, तुलसीदास. ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस एपिक रामचरितमानस. तो इनको हम लोग इनके रामचरितमानस के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने रामचरितमानस लिखी है. रामचरितमानस में हम लोग राम जी के दरबार के बारे में पूरा जानते हैं, उनके जीवन के बारे में पूरा जानते हैं. ही वॉज बॉर्न इन 1556 एट राजापुर नियर बांदा. बांदा जिले में जो राजापुर के पास, राजापुर में इनका जन्म हुआ था 1446 में. हिज मदर डाइड सून आफ्टर हिज बर्थ. जैसे ही इनका जन्म हुआ इनकी माता की मृत्यु हो गई. हिज चाइल्डहुड वाज स्पेंट इन अटर मिजरी. इसी वजह से इनको इनका जो बचपना था वो बहुत ही गरीबी में व्यतीत हुआ एंड पॉवर्टी. और इनको बहुत ही इनको कुछ भी उसमें अच्छाई इनको इनके बचपने में ही इनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा. ड्यूरिंग दिस टाइम ही डेवलप्ड अ डीप फेथ इन लॉर्ड राम. अब क्या होता है, गरीबी जब आपके भगवान ना करे कभी किसी पे गरीबी आए, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनको कहीं से हेल्प नहीं मिलती है, वो किसके हेल्प के लिए सीख करते हैं, वो किसका मदद ढूंढते हैं, भगवान का मदद ढूंढते हैं ना. तो तुलसीदास के ऊपर भी इतनी गरीबी थी और वो किससे ढूंढने लगे, मदद, भगवान से मदद ढूंढने लगे. और इसी वजह से उनका इतना ज़्यादा पूजन का जो था, उनका जो दिमाग था वो भगवान राम की तरफ उनका बढ़ गया. और इसी तरीके से उनका उनमें डीप फेथ हो गया और उनकी पूजन करने लगे राम, भगवान राम. ही स्पेंड हिज एंटायर लाइफ कंपोजिंग एंड सिंगिंग वर्सेस अबाउट श्री राम. तो उन्होंने अपने पूरा जीवन ही उन्होंने व्यतीत कर दिया भगवान राम के वर्णन करते हुए, उनके बारे में लिखते हुए. जो हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, रामचरितमानस में हम लोग दोहा चौपाई पढ़ते हैं, ये सब लिखते हैं. बिसाइड्स रामचरितमानस, रामचरितमानस के अलावा इनकी क्या 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 लिखा है इन्होंने, ही रोट विनायक पत्रिका. विनायक पत्रिका बहुत ही अच्छी एक ज्योतिष के लिए एक चीज़ होती पत्रिका है. कवित वाली, दोहा वाली, गीतावली, कृष्ण वाली, ये सब भी तुलसीदास ने ही लिखा है. यहाँ तक कि जो हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं वो भी तुलसीदास ने ही लिखा है. जो आपको बुक में नहीं लिखा हम आपको बता रहे. फेस द फैक्ट में जाओ, द मोस्ट देखिए लिख दिया. फेस द फैक्ट में जो बताया हमने आप लोगों को, जो पहले ही बताया वो भी लिख दिया. मोस्ट फेमस पीस ऑफ लिटरेचर रिटन बाय तुलसीदास अपार्ट फ्रॉम द रामचरितमानस इज द हनुमान चालीसा. देखिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है, प्रख्यात है, फेमस है, पॉपुलर है रामचरितमानस के बाद जो कि तुलसीदास जी ने लिखा, उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित है, पॉपुलर है, वो क्या है, हनुमान चालीसा. हनुमान चालीसा आई थिंक सारे बहुत बच्चों को याद भी होगा, है ना, घर में हम लोग अक्सर रिसीट करते हैं उसको. अ पोएम प्रेजिंग लॉर्ड हनुमान. ये हनुमान चालीसा में क्या है, भगवान हनुमान के बारे में हम लोग उनका वर्णन करते हैं, उनकी उनको प्रेज करते हैं कि उन्होंने कितना भारी भारी काम किया है. मैनी हिंदूज रिसीट इट डेली एज अ प्रेयर. बहुत सारे हिंदू इसको रोजाना बोलते हैं प्रेयर के फॉर्म में ना. हम लोग जब भी वर्शिप करते हैं भगवान का, जब भी पूजन करने जाते हैं तो भगवान हनुमान चालीसा तो कहते ही. तो देखिए हमने आप लोगों को पहले बताया कि हनुमान चालीसा किसके द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास के लिए. तो वो भी इसमें बता दिया गया, आपके बुक में लिखा है. चलो आप आ जाओ तुलसीदास के बाद सूरदास जी के बारे में जान लो. सूरदास का जीवन भी, सूरदास जी के बारे में भी बहुत अनोखी बातें आपको जानने को मिलेंगी. सूरदास वॉज अनदर सेंट पोएट. तो ये भी एक साधु संत थे और ये कवि भी थे. ही वॉज बॉर्न एट ब्रिज नियर मथुरा. तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिज में, जो कि मथुरा के पास है. ही वॉज बॉर्न ब्लाइंड. देखिए सूरदास क्या थे, वो दोनों आंखों से अंधे थे. ये इनके बारे में बहुत ही बड़ी बात आपको जानने को मिलती है. एंड हैंस रिसीव्ड हार्श ट्रीटमेंट फ्रॉम हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज अर्ली चाइल्डहुड. और इस वजह से इनको हार्श ट्रीटमेंट मिलता है, इनको लोग बुरी नज़र से देखते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये अंधा क्या कर लेगा अपने जीवन में, है ना. अपने बचपने से ही, ठीक है, बचपन से ही ये अंधे थे. और अपनी फैमिली मेम्बर से इनको इनको किसी में भी अगर कोई गड़बड़ी रहती है तो लोग उसको 10 लोग बोलने वाले हो जाते हैं ना. उसी तरीके से इनको भी ताना सुनने को खूब मिलता था. वन डे एट द एज ऑफ 6 व्हेन ही हर्ड अ ग्रुप ऑफ डिवोशनल सिंगर्स पासिंग बाय हिज होम ही सिंपली फॉलोड देम एंड लेफ्ट होम फॉरएवर. देखिए जब ये 6 साल के थे, आप लोग से भी छोटे थे, आप लोग 4th में हो ना, कितने साल के हो अभी, 6 to 7 ईयर्स के आप लोग भी हो. तो जब 6 साल के ये थे, तो एक दिन क्या हुआ,
एक डिवोशनल सिंगर्स, डिवोशनल सिंगर्स वो सिंगर्स होते हैं जो भगवान का गाना गाते हैं और वो भगवान का उसमें वर्णन करते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, रिलीजियस फेथ को वो फैलाते हैं। ऐसे ही कुछ गाना गाने वाले व्यक्ति इनके घर से गुजर रहे थे, वे 6 साल के थे, तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं के पीछे पीछे ये भी चल दिए और उसके बाद इन्होंने जीवन भर के लिए घर को छोड़ दिया। सून सूरदास मेमोराइज्ड द एंटायर श्रीमद् भागवत गीता एंड स्टार्टेड रिसीटिंग इट टू थ्रॉन्ग्स ऑफ पीपल एंड इमर्स्ड हिमसेल्फ इन डीप डिवोशन टू कृष्ण। देखिए फिर क्या हुआ, सूरदास ने मेमोराइज कर लिया, उन्होंने याद कर लिया पूरी भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आप लोग जानते हो, श्री कृष्ण ने कहा था ना ये महाभारत के दौरान अर्जुन को बताया था भगवत गीता में कि किस प्रकार से, भगवत गीता में कि किस प्रकार से जो जीव है वो पृथ्वी पर आता है और फिर उसका किस प्रकार से अंत होता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में जो भी श्री कृष्ण ने बताया है उसको इन्होंने पूरा याद कर लिया और ग्रुप में जो जहाँ पे लोग बैठे रहते थे उनको ये सुनाया करते थे और अपने आप को पूरी तरीके से इन्होंने भगवान कृष्ण के तरफ समर्पित कर दिया था, भगवान कृष्ण के पूजन में ये पूरी तरीके से विलीन हो गए थे। Subsequently, he went on to write some of the greatest works in Hindu philosophy and bhakti literature. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने भी बहुत ऐसी किताबें लिखी जो कि हमारे देश के साहित्य को बहुत ही ज़्यादा वैभव प्रदान करता है ना, जैसे द सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी ये कुछ इनकी लिखी गई किताबें हैं, लिटरेचर है जो कि ये हमें देते हैं, अनमोल लिटरेचर ये साहित्य है। चलो अब आ जाओ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये मॉडर्न डे के हैं, इनको नोबेल प्राइज से, इनको भी सबसे पहले भारत में इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर। चलो देखो क्या क्या आपके रूप में क्या क्या लिखा है इनके लिए। देखो रविंद्रनाथ टैगोर इज फॉन्डली कॉल्ड गुरुदेव, तो इनको बहुत लोग क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, जैसे सबका एक पेट नेम होता है ना, आपका भी घर का कुछ नाम अलग होगा और स्कूल का नाम कुछ और होता है, इनका भी पेट नेम क्या था, गुरुदेव, बहुत लोग इनको गुरुदेव बोलते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 7 May 1861, तो ये कब इनका जन्म हुआ था, 7 May 1861 को, कहाँ पे, कोलकाता, कहाँ के थे ये, कलकत्ता। देखो इसलिए ना टैगोर सर नेम लिखाया गया, रविंद्रनाथ टैगोर इनका पूरा नाम है। हिज फादर्स नेम वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, इनके पिता का नाम क्या था, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम, तो जो इनकी जो प्राथमिक एजुकेशन थी, पढ़ाई थी, प्राथमिक पढ़ाई मतलब जो शुरू में अगर आप ABCD पढ़ते हो, 1-2 पढ़ते हो ना, जो एकदम शुरुआत लेवल में बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो इन्होंने उसको घर पे पढ़ लिया। उसके लिए इन्होंने स्कूल ज्वाइन, इनके पिताजी ने इनको स्कूल ज्वाइन नहीं करवाया। लेटर ही वेंट टू लंडन टू स्टडी, फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई करने के लिए जब ये बड़े हो गए तो ये लंडन गए। एज ही ग्रू अप हिज इंटरेस्ट इन राइटिंग स्टोरीज, पोएट्री, नॉवेल्स एंड प्लेज ऑल्सो ग्रू, और जैसे जैसे ये बड़े होने लगे इनका रुझान स्टोरीज लिखने के प्रति, कहानियाँ लिखने के प्रति, पोएट्री ठीक है, पोएम्स लिखने के प्रति, नॉवेल्स जिसको हम लोग ड्रामा के नाम से जानते हैं वो लिखने के प्रति इनका बहुत ही रुझान बढ़ने लगा। ये अपने आप को एक लिटरेचर में महान स्कॉलर के रूप में ये अपने आप को देखने लगे, लॉर्ड एंड मैन के तरीके से ठीक है। देखो इनकी कुछ फेमस किताबें जो लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको गोरा, गीतांजलि इनकी बहुत ही पॉपुलर साहित्य कविता है, नॉवेल है, काबुलीवाला जिसके बारे में आप लोगों ने फिल्म वगैरह भी देखा होगा, काबुलीवाले में है ना पिक्चर है, काबुलीवाले में बना हुआ है। आर सम ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये कुछ बहुत ही जाने माने किताबें हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी को फाउंड करने वाले भी यही शख्स हैं। देखो लिख दिया, ही ऑल्सो रोट अवर नेशनल एंथम, ही वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स गीतांजलि इन 1913। देखो द बुक ऑफ पोएम्स गीतांजलि जो है उसमें बहुत सारी कविताएं हैं जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया जाता है, जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज, आपके बारे में आप लोग बड़े होकर जब पढ़ोगे, वो 6 चीज़ों के लिए दिया जाता है, 6 सब्जेक्ट्स के लिए। तो नोबेल प्राइज जो है वो बहुत ही बड़ा पुरस्कार है और उससे इनको नवाजा गया 1913 में। किस चीज़ में, लिटरेचर के क्षेत्र में नवाजा गया, और किस काम के लिए,
गीतांजलि के पुस्तक को लिखने के लिए, जो कि एक क्या कैसी पुस्तक थी, उसमें ढेर सारी पोएट्रीज थी। चलो, और एक बात जो इनके लिए और ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है कि जो नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन, भारत का, भारत हमारे देश का नेशनल एंथम, के बारे में सब लोग असेंबली में सुबह सुबह गाते हो ना जन गण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा है। रविंद्रनाथ का मृत्यु कब हुआ, डाइड ऑन 7th August 1941। चलो, तो इस तरीके से तुम रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पे फोटो भी बना हुआ है, इनके बारे में जान सकते हो। चलो, तो इसी के साथ हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर में हमारे देश में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, जो बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स हुए, जो पोएट्स हुए, जो ड्रामेटिस्ट हुए, जो बहुत अलग अलग कलाओं में, अलग अलग फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया, उनके बारे में हम जान पाते हैं, हम अपने हिस्ट्री के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ओके क्लास 4, थैंक यू।